नमस्कार। आप सभी ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर बहुत से नाटक देखे होंगे, पर आज जो नाटक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा नाटक इससे पहले शायद ही आपने कभी देखा। असल में यह नाटक नाटक नहीं बल्कि हकीकत है, और वो हकीकत जिसका सामना इस समाज को एक नई दिशा देने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। उसकी अपनी सोच सही होते हुए भी उसे कदम कदम पर तकरार का सामना करना पड़ता है, और इसी तकरार के चलते कुछ लोग अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, तो कुछ अपने सामने आई समस्या विशेष को सुलझा कर केवल अपने लिए ही बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई राह का निर्माण करते हैं। और ऐसा ही कुछ दिखाया गया है आनंद प्रकाश आर्टिस्ट के नाटक ताई की तकरार। तो आइए देखें कि कौन रखता है इस समाज को एक नई दिशा देने की सोच, और कौन करता है उसके साथ तकरार। उसका स्कूल छुड़ाना कानून के हिसाब से भी गलत है। गलत है, मैं कानून की किताब तू ही ले रही है। ताई जी राम राम। तेरी मेरी क्या की राम राम है, और किसी राम राम है। तू कल धक्के मार के काटी थी, आज फेरा की कोटरी लिख के, आखिर तू चाहवा केस है। ताई जी मैं तो यह चाहती हूँ कि आप धापली को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दें। और मैं भेजू तो क्या कर लेगी तू मेरा? मैं तो क्या कर सकती हूँ ताई जी, मैं तो सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार ने हर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया है। अच्छा मुफ्त है, मतलब क्या फ्री पढ़ाई का भी लोभ दिखाने लगी तू? अरे ताई जी आप तो अंग्रेजी भी बोल लेती हो। हाँ तू गणा मक्खन ना लावाई दे, और चाल अड़े थे नमा को का लाड़ी है सुमे। ताई केरोड़ा कर रखा सही हो। अरे तू भी आजा, तेरी कमी थी, मेरा घर है, अरे मेरा घर में किमे करूं, तू क्यों आजा सती से तेरी कमरा उठा के मंदिर में जनपद दिखान। ताई तेरा काम है और लोगों के लिखाम खा तकरार करने का है, मेरा भी यो काम इस तकरार में कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाने का है, ताकि लोग बता सके गलती किसकी थी। तो तू तेरी ताऊ की फिल्म क्यों ना बनाता, आज टेलीविजन पर दिखाता ही जो कितनी बड़ी गलती करी बैठा से। मैं की गलती करी सुन? अच्छा इतनी बड़ी गलती करी बैठा से, और कैसे मन ने की गलती करी से? फिर भी भगवान की बता दो सरी।
हाँ बता दियो। वहाँ बता। तो कर रहे हो कमरा इसका नहीं? कमरा नहीं, कैमरा ताई जी। तू चुप रह, मैं तो कमरा कहूंगी और यो आप समझ जाएगा, समझी? हाँ ताई ले, कर दिया। कर दिया तो बूझ तेरे से ताऊ ने किस काल बहन जी मन धक्के मार के काटी थी, आज कुर्सी पे क्या ताई बैठा रखी से यार। बस ताई, मैं तो जाना ताऊ ने क्या कितनी बड़ी गलती कर रखी से। रया गलती को नहीं, आज तो इसने कुर्सी पे बैठाई से तड़के। ताई तड़के की तड़के देखेंगे, आज तो नू करे बहन जी की बात शांति तो सुनिए, के कहना चाहो से? या जो कहना चाहो से, मन बेराई से और इसने 10 दिन हो गए चक्कर काट दी ने, कहो से धापली ने स्कूल में फिर से भेजना शुरू कर दो। फिर इसमें बुरा केस है, सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून भी तो न्यू बनाया से कि 6 से 14 साल का कोई भी बालक स्कूल जाने वंचित ना रह जा। कानून कानून, सरकार सरकार, कितने लजा सत्र वो कानून और क्या कर ले सत्री वा सरकार, जब घर तक ही किसी की बेटी सांस ने उल्टी करना नहीं आवास है। तो यह बात है बहन जी, मेरा आगी बात पकड़ में ताई के यो डर बैठ रहा है स्कूल में जाए उड़ी बेटी के साथ कि मैं ऐसा उसा हो गया तो क्या होगा। हाँ तो क्या कर लेगा तू और क्या कर लेगी तेरी या बहन जी। और ताई घर में किमें हो गया तो तू क्या कर लेगी। तो स्कूल आड़ी तो कतले कतले कर दूंगी। किसके कर देगी भगवान, यू तो बता दे। उसके कर दूंगी तो मेरी बेटिया घर ऐसा उसा करने की सोचेगा। तो इसका मतलब यो होया कि स्कूल जाने वाली बेटे की कोई सुरक्षा है नहीं है। तू बस तो करा मत बिना मतलब के मेरा साथ, तन जाना हो तो जा, बैठना हो तो बैठी, अरे मैं तो यो चली। तो सुने पोटर की बुढ़िया, तू भी घर न चाल उड़े थे, घनी बात लगा ली तने। ताई तू एक काम कर सके। हाँ बोल, सिर में दर्द होगा तेरे, गाल झकती झकती। बहन जी ने 10 दिन हो गए दापली का नाम फिर तक स्कूल में लिखवाने खातर चक्कर काटते। हो गए तो हो गए, इसका मेरे पगे शान करस है, सरकार की नौकरी करस है, सरकार चक्कर कटवाओगे तो काटने भी पड़ेंगे, और सरकार वेराने किसके चक्कर कटवा दे। हाँ यही बात तो मैं समझाना चाहूँ था। के जब तने दापली का स्कूल जाना जोर जबरदस्ती छुड़वाया ना, तो तने भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सके हैं। मैं डरावा ना, मैं जेल काट लूंगी पर दापली ने फिर तो स्कूल नहीं भेजू। अच्छा ना भेजिए, पर एक काम तो कर आज। रख मैं बता तो सही, बहन जी ने 10 चक्कर काट लिए, चल आप एक चक्कर काट के आवांगे स्कूल का और नू देखांगे उड़े के बेटियां भेजना गलत से के सही। देख रहे छोरे, तने जाना सो तो था, मेरा क्या खतर गल पड़ रहा से। गल पड़न की बात यह है ताई, तकरार बहन जी गला तने करी है ना कि मन ने। तकरार मन ने करी से ने। हाँ तो तू मने फांसी तोड़वा दे जा। ताई तने फांसी तोड़वा के मैं के लूंगा, ईसा कोई बड़ा तने जुर्म भी ना कर रखा से। यो तो सारा समझण का फर्क से, और सारी चीज जब समझ में आऊंगी जब अपनी आंखें देखांगे। हाँ माँ, आप मारे स्कूल में जाकर देखो तो सही, एक बार केवड़ा पढ़ने वाली लड़की सारे की सारी सुरक्षित से की नहीं। हाँ ताई जी, आप हमारे साथ चलकर देखिए, अगर सब कुछ देखने के बाद आपका मन करे तो धापली का दाखिला फिर से स्कूल में करवाना, अगर ना करे तो मत करवाना। तो ठीक है, आज मैं तेरे साथ चल लूँ स्कूल में। ताई बहन जी ने तो जान दे अपनी स्कूटी पे, तुम मेरे गला चालिए मेरे मोटरसाइकिल पे, जाओ बहन जी आप जाओ। ठीक है ताई जी, राम राम आप सबको भी। बाय मैडम। बाय बेटा। हाँ ताई चलना। तो उल्टा भी तो छोड़ के जाएगा। बिल्कुल चल। मैं भी चालू के घर की रुखाड़ी तेरा बाबू करेगा, सुरख मत उतर की ने। ठीक सब भगवान, कौन ही चालू मैं, क्यों गर्म हो रही है, पर एक बात का ध्यान रखिए, तो स्कूल में पसंद करकी किसी क्लास में अपना नाम ना लिखा बैठिए, ना तो बिघन हो जाएंगे। चल ताई चल, ताऊ की तो उनमें मजाक करने की आदत है। पत्रकार के साथ ताई स्कूल में प्रवेश करती है। ताई जी आ गए आप। थापली और भतेरी की स्कूल टीचर ताई को प्राचार्य के कार्यालय में ले जाती है, वहाँ पत्रकार ताई को प्राचार्य से मिलवाता है। देख ताई, ये हैं इस स्कूल के प्राचार्य। राम राम बात जी। राम राम बैठी। सर ताई को शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में कुछ बताएं ना। बिल्कुल सही बात कही ताई आपने, मैं ताई जी को भी आपको भी और हमारे साथ जो रहती है उनको भी बता देना चाहूंगा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए एक वरदान बनकर आया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद ने वर्ष 2009 में पारित किया है, जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में 1/4/2010 से लागू किया गया है। यह वो अधिकार है उन बच्चों के लिए वरदान है जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या कुपोषित होते हैं या घरेलू कारणों के कारण घर की आर्थिक स्थिति के कारण सुरक्षा के कारण विद्यालय से दूरी के कारण शिक्षा पाने में असमर्थ रह जाते हैं। उन्हें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह अधिनियम पास किया गया है, जिसको राइट टू एजुकेशन कहा गया है। राइट टू एजुकेशन का पहला कार्य यह है कि उन बच्चों की पहचान की जाती है जो बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हैं और आउट ऑफ स्कूल हैं। उनको स्कूल में शामिल करने के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में उनके प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर की परिधि में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। 3 किलोमीटर की परिधि में सरकार ने मिडिल स्कूल खोले हैं और 5 किलोमीटर की परिधि में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की है। आपका ये कानून तो बहुत बढ़िया है मास्टर जी, और आपने ये दफ्तर भी बहुत बढ़िया बना रखा है जिलागढ़ का। अब तई प्रिंसिपल साहब को दफ्तर में बहुत कम बैठे है, ये तो सारा दिन काम करे से काम आज दिखाओगे करोड़े काम। शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में बताने के बाद प्राचार्य ताई को विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताता है और इसी संदर्भ में विद्यालय में लगी शिकायत पेटी का दिखाता है। ये जो स्कूल है ये लड़कियों का स्कूल है और आजकल आपके भी लड़की हैं, लड़कियों के साथ इन्हें जगह जगह छेड़खानी होती है, छेड़छाड़ की घटना हो रही है। इस स्कूल में 3,500 के करीब लड़कियाँ हैं और लड़कियों की सुरक्षा, जैसे मैंने आपको दफ्तर में बताया था, लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। लड़कियों के साथ किसी को छेड़छाड़ की घटना होती है, कई बार लड़की है ना अध्यापक के डर के मारे या अध्यापिका के डर के मारे या अपनी शर्म के डर के मारे प्राचार्य के आगे या अपने अध्यापक के आगे बता नहीं पाती, तो उनको देखते हुए मैंने ये ड्रॉप बॉक्स लगवाया है। इसमें यदि किसी लड़की कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत इसके अंदर डाल सकती है। एक बार मैं इसे शिकायत पेटिका को खोलता हूँ, यदि कोई शिकायत ऐसी मिलती है तो उस पर हमें तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। यदि पुलिस में भेजनी होती है तो पुलिस में भेजते हैं, यदि उसका समाधान यहाँ होता है तो यहाँ हो जाएगा। इस बात का पूरा हमारा ध्यान रहता है कि लड़कियों की सुरक्षा में कहीं कोई कोताही नहीं, तो उनके लिए ये ड्रॉप बॉक्स है। विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दिलवाने के बाद पत्रकार ताई को लड़कियों की पढ़ाई की व्यवस्था दिखाने के लिए एक क्लास में लेके जाता है और दिखाता है कि यहाँ लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चों, आज समाज शास्त्र विषय में आज हम तुम्हें सामाजिक आंदोलन के बारे में बताएंगे। तुम जानते हो हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी कुरीतियां हैं और हर समय कुरीतियां होती रहती है, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, महिला शिक्षा के ऊपर है। ये समाज के अंदर जो कुरीतियां आ रही है इनको दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को जब लोग इकट्ठे होकर संगठित होकर इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो उसको हम सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने समय समय पर इसके ऊपर आवाज उठाई। पुराने समय में हम देखते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन जी ने चलाया, जिन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। सती प्रथा तुम जानते हो जिसमें किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर पति के साथ ही उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था। कल्पना करो कितना कष्ट होता होगा। तो राजा राममोहन राय ने सबसे पहले उस प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेकर भारतीय समाज के अंदर ये जो है कुप्रथा को बंद किया। इसके बाद उन्होंने जो है बाल विवाह के ऊपर गया। लड़कियों को पढ़ते देखकर ताई को याद आता है कि यदि वह थापली और भतेरी की पढ़ाई नहीं छुड़वाती तो उसकी बेटियां भी आज इसी तरह स्कूल में बैठकर पढ़ रही हैं। पर मन भतेरी और धापली ने पढ़ने का टाइम तो नहीं, मन उन तो घर का काम कर। भतेरी आ जाए तो ये बे चल वण जती। ए छोरी तने जाना कोनी के गई थी घर का काम पड़ा कौन करेगा यो? आप कर लियो ताई। छोरी तू गणित चपर चपर तो करो ना, स्कूल में जाके ये सीखो सके। और चले छोरी तू और धरते जोड़ा भीतरी। तेरी हाँ माँ। अम्मा की बच्ची वो दाफिलन गई खेत में, कितनी बार होगी तो साथ नहीं जा सकती उसका? आज मारी मैडम ने घना काम दे रखा है स्कूल का। अच्छा, कल की रिंटी का देवड़ा काम इतना जरूरी हो गया और मेरा काम की मैं नहीं कर लूंगी? माँ तेरे बताए उड़ा काम भी, बस ये थोड़ा ऐसा रह गया स्कूल का काम। थोड़ा सा रह गया हो चाहे घना, ये किताब अंदर दे कोर्ट ने और जाके दाफिलन ने घास धुआ लिया।
कितनी बार लगाओगी? कितनी बार लगाना चाहते? तावड़ी चलो चाहे मेरी माँ ने देख ले तो बिघन हो जाएंगे। फिर तो ये बिघन हो गया समझ लो। आज सब तो पहले मैं बताओ तब ने यो फसल करा किसने पूछ किस है वितरण हो लो और तब यो सांग करके जाओ किसो सांग सुन कि मैं कोने भगवान जान दे ना छोरिया ने इनके स्कूल में प्रोग्राम है आज। स्कूल में प्रोग्राम है इनकी स्कूल की ड्रेस कटा गई वाह पड़ी भीतर या तो इतने प्रोग्राम खतर नहीं दिवाई से क्यों दिवाई से क्योंकि प्रोग्राम में बालक इसी ड्रेस पर आ गए प्रोग्राम बहुत हो गया माँ थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी फिर प्या दे बैसा ने पानी हमने स्कूल का काम भी करना से हाँ स्कूल का काम करना से अजो घर का काम इसने तेरा बाबू करेगा हाँ मैं कर लूंगा घर का काम इन्हें पढ़ लेते छोरिया ने तेरे खातर और काम बहुत से इनका काम इन कर दे और जब इनका काम करने का तेरा इतना एहसास है तो देखो भजन को ऊपर कर दिया ठा तावड़ा सा अच्छा अच्छा क्या था तो थोड़ी अंठाली बैठाओगा तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे ले बाबू पकड़ बाल्टी ले बतेरी धोई ने ये कपड़े तो बाबू ने धुआए थे बाल ने तो तू पहन ना देती घर ने तो कम पहन लेने दे हाँ माँ फिर ये चिड़ी बिल्ला खेल खेल अभी तो इसे कपड़े हम जा है दापली कि मैं गणित जबान होगी तेरा हाँ लग गए तुम मने इसे आखिर बेटी भी किस्मा की से चुप हो जा बीस में ना बोलो तू कती बिगाड़ के छोड़ेगा छोरिया ने विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था दिखाने के बाद पत्रकार ताई को उस मंच की ओर लेके जाता है जिस मंच पर उसकी बेटी ने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार इस गीत पर नाचा और गाया होता है कि कान खोल के सुन ले माँ एक सवाल ये मेरा क्यों बेटी का नाम भतेरी क्यों बेटा नहीं भतेरा तेने मेरा ये नाम क्यों ले रहा जब मेरी और मेरी भाना की तरिया तेरी चौक तो घड़े सारे बच्चे जन्म लेंगे तो तू क्या उनका नाम भी मेरी तरिया बदला कर देंगी माँ तू लोगों ने बेकार रखी थी कि बाला बरपाई और धापली नाम धरने के बाद अगली बरिया बेटा हो जाएगा फिर के बेटा होया माँ बता माँ तेने मेरा ये नाम क्यों गिरा ऐसा सोचते सोचते इस गीत की असली गायिका की तस्वीर ताई के जहन में उभर आती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी अपनी बेटी इस गीत पर नाचते हुए बार बार यही सवाल करती है कि क्यों बेटी का नाम भतेरी क्यों बेटा नहीं भतेरा क्यों बेटा नहीं
विद्यालय का इतना सही वातावरण देखने के बाद ताई का सारा भ्रम दूर हो जाता है। वह खुश हो जाती है और बहन जी से कहती है, तुमने वह पसली उम्र दे दे और तुम पढ़ने बैठ जाओ, नई बात है ना ता? हाँ नई बात है बेटा, पर वह पसली उम्र आओ तो को नहीं, जब मारा वक्त हम इसे स्कूल हो दे तो हम तो निहाल हो जाएंगे बेटा। ताई आपकी धापी की जो उम्र अब पढ़ने की है ना, वो भी फिर नहीं आएगी। हाँ बेटी, यह बात भी सही है तेरी, तो मैं अड़ाई लाकी मेरी आँख खोल दी, मैं तो कल ते उस स्कूल में भेजना शुरू करूंगी। कल से नहीं ताई, आज ही से भेज दो, किसी भी अच्छे काम को कल पढ़ने छोड़ा करते हैं। ये तो ठीक है बेटी, मैं जा सही और जाती धापली ने बतेरी दोनों भेजूंगी। सर बतेरे अंदर जिस डाना तुम मोटरसाइकिल पर बैठा के ले आया था मैंने, उस डाना मैंने छोड़ ही दिया। चल ताई, मैं कब ना खुश हूँ, जिसा मन आड़ बना रखा था ना उसे मन घर जाके भी राखिए, पर चलने से पहले बहन जी से माफी मांग ले, और जिसी तकरार बहन जी के लिए करी समय किसी तकरार और किसी के लिए ना करिए। हाँ रे, मैं माफी मांगना तो भूल गई, मन माफ कर दिए बेटी, जो तेरा गल्ला मैंने खाम खाया तकरार करी से। माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करो ताई जी, मैं तो आपकी बेटी धापी और भतेरी जैसी हूँ। यही था हमारा नाटक ताई की तकरार। विश्वास किया जा सकता है कि आपको यह पसंद आया होगा। नमस्कार।